नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ सुंदर सोलंकी और आप देख रहे हैं हल्ला बोल हरियाणा का महा एपिसोड। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इस बार हरियाणा बोर्ड ने ये दावा किया था कि बोर्ड की परीक्षाओं में नकल नहीं होगी। इन दावों पर सबसे भरोसा भी सबने किया। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने प्रदेश के कई एग्जामिनेशन सेंटर्स का दौरा किया। दरअसल हमारा मकसद था कि इस बात की तस्दीक हम करें कि बोर्ड के दावों में कितनी सच्चाई है। प्रदेश के कई हिस्सों में तो हालात सामान्य दिखे, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे थे कि सच्चाई जानने के लिए हमें अपने खुफिया कैमरे की मदद लेनी पड़ी। हमारे संवाददाताओं को कई जगह कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नकल के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रही। हमारी टीम ने एक के बाद एक एग्जामिनेशन सेंटर का दौरा किया। हमें लगा था कि इस बार हालात बदले होंगे, लेकिन उम्मीदों से परे था। कहीं परीक्षा केंद्रों पर नकल माफियाओं का दंगल मचा था, तो कहीं परीक्षा केंद्रों की खिड़की पर नकल माफिया लटके थे सिर्फ इस ताक में कि कैसे बच्चों तक पर्चियां पहुंचाई जाए। इतना ही नहीं, कहीं तो खुद टीचर ही बच्चों को नकल कराते मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि इस नकल के खेल के लिए जिम्मेवार कौन है? बोर्ड प्रशासन, स्कूल प्रशासन या समाज? ये अपने में एक सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज हल्ला बोल के महा एपिसोड में अपने विशेष पैनल से, जानेंगे समस्या का समाधान। देखते रहिए हल्ला बोल हरियाणा। जी हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर्स पे क्या कुछ तस्वीरें दिखी, अलग अलग जिलों का हाल हमने कैसे जाना, क्या कुछ स्थिति रही, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पलवल जिले की स्थिति आपको दिखाते हैं। जी हाँ, पलवल में परीक्षा केंद्रों पर नकल लगातार जारी दिखी। परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों का जमावड़ा था। धारा 144 का किसी को डर नहीं। पुलिस ने हालांकि यहां कार्रवाई की और 13 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कुलाना में क्या कुछ स्थिति रही। बोर्ड परीक्षा में किताबों को फाड़ फाड़ कर नकल की गई। पावड़ा गांव में नकल माफिया पूरी तरह से कानून से बेपरवाह दिखे। आलम यह रहा कि किताबों को फाड़ फाड़ कर बाकायदा पर्चियों को अंदर पहुंचाया गया। फरीदाबाद में भी स्थिति यही दिखी। कई परीक्षा केंद्रों पर नकलचियों का जमावड़ा था और बड़े अफसोस की बात यह है कि जिन पर नकल रोकने की जिम्मेवारी थी वो केवल मूक दर्शक बने रहे। झज्जर की स्थिति आपको दिखाते हैं। वहां भी पाठशाला नकल की दिखी, परीक्षा की नहीं। अध्यापक खुद बच्चों को नकल कराते हुए दिखे। बेहद अफसोसजनक तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे प्रदेश में नकल माफियाओं के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। गुहाना की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। यहां भी नकल करवाने वाले लोग, नकल करने वाले बच्चे, किसी को ना तो कानून का डर था। अलग अलग जगहों की स्थिति आपने देखी। बेहद अफसोसजनक स्थिति। कितने बड़े बड़े दावे प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल किस तरह से खुलती है ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कांग्रेस से सत्यवीर डागर हमारे साथ हैं, दलवीर धनखड़ हमारे साथ हैं। इसके अलावा बात करें तो मशहूर शिक्षाविद सर्वदानंद हैं, आर्य जी हैं, अशोक दिवाकर जी हैं, वो हमारे साथ हैं। मशहूर समाज सेवी बात करें तो हमारे साथ हुकुम सुख भाटी जो कि बीजेपी से हैं। इसके अलावा मंदिर सिंह मान सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मनोज शर्मा जो हरियाणा अभिभावक मंच के सचिव हैं। सबसे पहले
हुकुम सिंह भाटी जी, आपसे सवाल है, ये जो दावे आप लोग करते हैं और जिस तरह से भविष्य से खिलवाड़ होता है बच्चों के से, ये इतना फर्क क्यों है? क्यों नहीं आप अपने दावों को जमीन पर कुछ हकीकत में तब्दील कर पाते हैं? भाटी साहब, देखिए सोलंकी जी, इस बार दावों को हकीकत नहीं, हमने हकीकत बनाया है, दावे ही नहीं किए। हरियाणा प्रदेश में कैसे बनाया है? तस्वीरें आप देख नहीं रहे, धड़ल्ले से नकल हो रही है, मास्टर खुद नकल करा रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है, आपकी बात पुलिस वाले कोई रोक नहीं रहा है। सुनिए जरा, पूरे प्रदेश में 327 फ्लाइंग स्क्वाड पार्टियां हमने बनाई हैं, 1618 टोटल ये सेंटर हैं, और इसके अलावा एक जो पार्टी है उसके पास 5 सेंटर आते हैं, और एवरी डे उन पार्टियों का जो सेंटर है वो बदले जाते हैं। दूसरी बात, जो नकल है उसमें बहुत कुछ कमी आई है, लेकिन कुछ इस तरह की विषम परिस्थितियां हैं, जैसे कैसी विषम परिस्थितियां? विषम परिस्थिति इस तरह की, भाई स्कूल की दीवारें छोटी हैं, गांव में स्कूल है, क्योंकि स्कूलों को उन सेंटर्स को बहुत दूर नहीं किया जा सकता, ये भी एक सामाजिक ताना बाना है, क्योंकि अगर मान लिया स्कूल दूर होता है तो बच्चों को कठिनाई आती है, और उसमें लोगों का भी कहना हो जाता है कि भाई बच्चों को दूर जाना पड़ता है, लेकिन वो स्कूल की परिस्थिति इस नेचर की है, उनकी दीवारें टूट रही हैं मान लिया, या उनका उनके जो वहां पर जो नकल है, नकल माफिया आप जिनको कह रहे हैं, वो लोग बढ़ जाते हैं, तो इस तरह का और पहले से नकल में हम लोगों ने बिना परिस्थितियां लाने की इसको सामाजिक ताना बाना ही ऐसा है। दीवारों है जो स्कूल की है वो छोटी है, ये क्या काफी है? सोलंकी साहब, ये सरकार अपना टोटल समय का आधा समय व्यतीत कर चुकी है, 2.5 साल से ज्यादा इनको हो गए हैं, 5 साल में चुनाव होना है, इन्हें जाना है। परंतु मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ भाटी साहब से, 2.5 साल जब हो जाते हैं किसी सरकार को आधे से ज्यादा समय हो जाता है, तो पुरानी बातें नहीं गानी चाहिए, अपना बताना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस बात को मान चुके, नकल कराई जा रही है एक तरह से, क्योंकि स्कूल में टीचर इन्होंने रखे ही नहीं, किताबें इन्होंने बांटी नहीं। बड़ी चिंता का विषय है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे आप कहीं के भी रिकॉर्ड उठा लो, पूरे हरियाणा के किसी भी स्कूल में पूरा स्टाफ ना था ना है, और मेरे ख्याल से दिन गिने तिरते होगा भी नहीं, क्योंकि जो वायदे ये करके आए थे गेस्ट टीचरों को आते पक्का करेंगे, नहीं करे। हर महीने कोई ना कोई रिटायरमेंट हो रही है हर डिपार्टमेंट में, जिसमें एजुकेशन भी है। आपकी रिटायरमेंट हो रही है, आप नए भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? नई भर्तियां नहीं करी, पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हुई, किताबें आखिर तक नहीं बट पाई। कई स्कूल तो ऐसे बताते हैं सोलंकी साहब, जहां पीएन स्कूल खोलता टीचर है ही नहीं, ये बड़ा चिंता का विषय है। बड़ी अफसोसजनक नकल पे आ जाता हूं, नकल पे आ जाता हूं। भाटी साहब ने एक बात तो मान ली, दीवारें नहीं है, कोई भी जाके कर सकता है, क्या कानून व्यवस्था नहीं आपके हाथ में? 144 किस लिए लगाई है आपने? 144 लगाई है सख्ती से, आप सवाल अंदर कीजिए ना, जिन्होंने गलत काम किया है जो करा रहे हैं। बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो कहां गई? सत्यवीर डागर है, कांग्रेस के नेता है। डागर साहब, आप क्या देखते हैं? सरकार 10 साल आपने भी चलाई, आपके वहां भी कमोबेश, आपकी सरकार में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही, वजह क्या है, क्यों नहीं सरकारें रोक पाती है नकल? देखिए सोलंकी जी, परिस्थितियां जो कह रहे हैं वाकई विषम है, मैं भाटी जी की बात से सहमत हूं, इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने सच्चाई सामने रखी है। जिस प्रदेश के अंदर 70,000 से ज्यादा टीचर्स की वैकेंसियां खाली हों, स्थिति वाकई खराब है। 2.5 साल के अंदर कहते हैं कि हमें गेस्ट टीचर्स ने परेशान किया, जब चुनाव के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री जी जंतर मंतर जाके इनको आश्वासन देते हैं ना, तो उनको पक्का किया, उसके बाद 9,000 जेवीटी टीचर्स जो धक्के खा रहे हैं, कहते हैं कि उनके थंब इंप्रेशंस जो है वो मिल नहीं रहे, अंगूठे के निशान जो हैं। भाई आपके पास भाटी साहब, 2.5 साल निकल गया, जिसका गलत था उसके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते, जो सही था उनको आप अपॉइंटमेंट देते, वो एक चयन प्रक्रिया के तहत चुन के आए थे, ना कि किसी को कोई उनको उठा के लेबर चौक से ऐसे धकेल दिया गया था। 9,000 टीचर वो आज धक्के खा रहे हैं, और सोलंकी जी, जहाँ 70,000 की वैकेंसियाँ हों और टीचर्स ना हों, और जहाँ बुक्स ही जो जाके अक्टूबर में आती हों, तो आप क्या वो सुधार की उम्मीद कर सकते हो? दूसरी नहीं है, दूसरी बात जी जी, शिक्षा का आप देखिए, 2 साल के रिजल्ट ये ले चुके हैं, उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो रिजल्ट था जब इनकी सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की देन है, कि इस वजह से रिजल्ट डाउन है। उसके बावजूद जो पिछला रिजल्ट है सोलंकी जी,
उसमें भी 2% से ज्यादा की गिरावट है, तो उसका ठीक रहे किसके सिर फोड़ेंगे? नतीजा अच्छा नहीं है, टीचर नहीं है जी, एक मिनट, बड़ी बात जी, आज 2.5 साल इनको हो गए, जो भाटी साहब कह रहे हैं कि गांव जो है गांव के अंदर है, ये आप लगते रहे स्कूलों पहले भी अंदर थे, आप अगर दीवारें टूटी हुई है, जंगले ठीक नहीं है, तो आप क्या कर रहे थे? आप जनता को जवाब जी, मैं एक बात भाटी साहब आपके पास आऊंगा, डॉक्टर सर्वानंद क्योंकि आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है जी। आर्य साहब, डॉक्टर साहब ये जो बात कह रहे हैं कि टीचरों की कमी है, दीवारें स्कूलों की छोटी हैं, या यूं कहिए कि बच्चों को किताबें नहीं, इसका योगदान होता है नकल बढ़ावे में, कितना होता है? देखिए सोलंकी जी, मैं 45 साल से अध्यापक जी, और शायद ही कोई आयाम बचा होगा शिक्षा का, मैं प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के इन्वॉल्व रहा, टीचर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, सो जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, और हमें झाड़ियों को पीटने से कुछ नहीं मिलने वाला, छोटी थी दीवारें, शिक्षक नहीं है, ये सारी बातें आप बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मुझे याद है 1967 में जब हरियाणा बना, तो हम जरा थोड़ा सा इसका कारण जान ले तो फिर इसका इलाज पता लग जाएगा, आप क्योंकि इस मंच के माध्यम से आप इलाज बात कर रहे हैं कि इलाज नहीं तो बताना चाहेंगे। 1967 में यहाँ हरियाणा बना, एक बड़े धाकड़ आदमी मुख्यमंत्री रहे, काफी साल रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं, तो जब उस वक्त में 2-3 सालों के बाद ये शुरू हो गया था, तब टीचर बड़ा कमिटेड होता था और बहुत बुरी तरह से वो इसके खिलाफ थे, नकल के टीचर ही खिलाफ था, परंतु फिर भी जब नकल शुरू हुई तो उसने कहा अरे करने दो, कंडक्टर बन जाएंगे, ड्राइवर बन जाएंगे, चपड़ासी बन जाएंगे, और तो इन्हें कोई नौकरी मिलेगी नहीं, वो परंपरा शुरू होगी। इसका अर्थ यह है अध्यापकों को उस गैंग के अंदर धीरे 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 शामिल कर लिया गया जो नकल करवाने वाला गैंग है। आज 5,000 करोड़ का यूपी के अंदर कहते हैं नकल का माफिया चलता है, तो 100 करोड़ का तो हरियाणा में भी चलता होगा, इसमें यदि आप हरियाणा के आकार को यूपी के आकार से देखें तो आप उसमें ये देखें, आज कोई सरकार आपस में ये बैठे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, वास्तविकता यह है लड़का पढ़ना नहीं चाहता, नकल करना चाहता है, अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता या अध्यापक है नहीं, नकल कराना चाहता है, सरकार जो है वो इसके आगे विवश है, बेबस है, रिजल्ट डाउन जब होता है तो आप चैनल के माध्यम से सरकार को ग्रिल करते हैं तो वो भी प्रशासन चुप हो जाता है, चलो इसके माध्यम से थोड़ा सा आपका रिजल्ट ही अप हो जाए, फिर भी 32% से ज्यादा रिजल्ट पिछली बार भी बोर्ड के इम्तिहानों में नहीं आया, इसका इलाज हो सकता है जी, यदि योगी आदित्यनाथ वहां यूपी में कर सकता है तो यहां भी हो सकता है इलाज, इलाज तो तब होगा जब हम सोचना आरंभ कर देंगे कि इसका इलाज कैसे होगा, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका प्रभाव आपके सामने है, भविष्य, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं गुड़गांव से आया हूं, 3 लाख कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 5,000 भी हरियाणा के नहीं है, 5,000 भी टेक्निकली ट्रेन नहीं है जो मल्टी नेशनल कंपनियों में काम कर सके, जो पढ़कर आए हैं उनको अंग्रेजी नहीं लिखनी आती, मेल लिखनी नहीं आती, उनको कंप्यूटर नहीं आता, और ये सारी बातें वो टेक्निकल ट्रेंड हो क्या? बहुत बड़ी बात, शिक्षा बहुत बड़ी बात कही है कि आखिर कैसी शिक्षा दी जा रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, कौशल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेल तक नहीं लिख सकते हैं हम, कैसा कौशल दे रहे हैं हम अपने बच्चों को, किस तरह से भविष्य से खिलवाड़ हो रही है, जिस तरह से बात की है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दरअसल केवल सिस्टम को जिम्मेवार ठहरा देना, केवल सरकारों को जिम्मेवार ठहरा देना यही उचित नहीं है, दरअसल माँ बाप बच्चे खुद भी शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं मंदिर सिंह मान, मान साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चाहे हम लोग हैं, माता पिता हैं या कुछ स्टूडेंट हैं, वो कितने जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमें ये हमारे समाज के अंदर एक बुराई है और हमें इसे खत्म करना चाहिए। सबसे पहले गुनहगार इस बुराई में वो होते हैं जो बच्चे को नकल देते हैं या नकल उसे करवाते हैं, क्योंकि वह नहीं जानते कि वो बच्चे के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आज तो उन्हें लग रहा है कि वो बच्चे को सोच बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी कितने उनको नीचाई तक ले जा रहे हैं, उनको चोरी करना सिखा रहे हैं, उनका जब भविष्य ऐसा दे रहे हैं कि वे चोरी करें। मैं ये समझता हूं कि जो भी बच्चा नकल से पास होगा या हमने करवा दिया अगली बार, वो अकल से कभी भी पास नहीं हो पाएगा। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि हमें समाज से सबसे पहले जाती है हमारी बुराई उन लोगों पे जो नकल करवाते हैं, सबसे ज्यादा गुनहगार वो हैं, और ऐसे ही सबसे बड़े माता पिता जो हमारे बच्चे को नकल करवाते हैं, और सबसे ज्यादा वो है स्कूल वाले भी जो ये सोचते हैं कि भाई हमारे स्कूल का भविष्य बने, हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। स्कूल का भविष्य जब ही अच्छा बनेगा जब बच्चे उसके उस स्कूल से संस्कार लेके जाएंगे अच्छे,
जब चोर बन के जाएंगे तो स्कूल का भविष्य क्या बनेगा? तो स्कूल को भी कभी अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए नकल नहीं करवानी चाहिए। सभी को अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत है। राजनीति साहब ने बड़ी बात कही, वही जरूरत है राजनीति की भी। राजनीतिकों को भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ावा देने में इस चीज के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए। उनको भी ये सोचना चाहिए कि कैसे भी हमारे समाज के अंदर बीमारी है, हमारे पास ड्यूटी है। आज हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ड्यूटी है, तो हमें अपनी ड्यूटी को निभाना, बुराई को मिटाना दिया जा सकता है। और आज मैं समाज सेवी हूं, तो मैं ये भी सुनता हूं कई बार समाज में कि लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर बदलाव आ रहा है, साधुवादियों की सरकार आ रही है, अच्छा होगा। तो मैं, मुझे समाज के अंदर बदलाव भी दिख रहा है। मैं समाज सेवी होते हुए ये भी कहना चाहता हूं कि समाज सुधार की तरफ है, देश सुधार की तरफ है, लगता है कि देश में सुधार आएगा। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि माता पिता को भी क्या सच में पढ़ने की जरूरत है, उन चीजों को पढ़ने की जरूरत है, उन बुराइयों के बाबत जानने की जरूरत है जिनसे उनके बच्चों को बचाया जा सके। हरियाणा अभिभावक संघ के सचिव हैं मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ये जो स्थिति है, आप अभिभावक संघ एक बड़ा चला रहे हैं प्रदेश का, क्या अभिभावकों को जिम्मेवारी का अपनी एहसास होता है कि वो महज ये एक छोटे से फायदे के लिए, नजदीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले बात तो ये कि आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, और दूसरा ये कि जो आपने ये नकल के ऊपर ये जो पूरा आंकड़ा दिखाया है, ये वाकई में चौंकाने लायक है। तीसरी बात मैं आऊंगा कि जो अभी जो डिस्कशन चल रहा था, जितने भी हमारे माननीय पैनलिस्ट हैं, इससे एक चीज निकल के आ रही है कि ये एक सोशियो पॉलिटिकल इशू है बेसिकली, जिसमें सोसाइटी भी जिम्मेवार है और हमारी पॉलिटिक्स भी जिम्मेवार है। सोसाइटी कैसे जिम्मेवार है? जैसा कि हमने बताया कि माँ बाप और जो है सोसाइटी के अंदर इस चीज के प्रति संवेदना नहीं है कि बच्चा जो नकल से जो जा रहा है वो अकल से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन मैं उससे और बैकग्राउंड में आऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। काफी सारे रीजंस हैं। मैं जब क्या कहते हैं अपने गांव वगैरह में था, तो मुझे पता है कि गांव की जो पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं ज्यादातर, उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है कि क्योंकि सारा समय उनका जो है गांव के खेत खलिहानों और इसमें निकलता है, तो उनको लास्ट में एग्जाम पास करना होता है, तो वो बाय हुक एंड क्रुक वो पास करने की तैयारी करते हैं। इनफैक्ट कुछ जो कुछ सरकारों की इस तरीके से छद्म रूप से एक उस प्रोसेस के ऊपर पूरा संरक्षण भी होता है कि किसी तरीके से हम जो है रिजल्ट को अच्छा लाएं। लेकिन अभी मैं इसे बात कहूं, जैसे साहब ने कहा, जो है भाटी साहब ने, इन्होंने माना कि दीवारें छोटी हैं, व्यवस्था नहीं है। एक चीज समझनी पड़ेगी, जो कि मैं टच भी करूंगा आपके उस वाले पॉइंट को, जो अभिभावकों का जो आप वो दिखा रहे थे बैनर अभी जो है, ये मानिए आप इस चीज को, चाहे वो पार्टी चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे इनेलो की रही हो, इन तीनों पार्टियों ने अब तक हरियाणा पर राज्य किया। इन तीनों पार्टियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत यहां के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। वो कैसे किया कि गवर्नमेंट सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम को इतनी बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया कि आम आदमी उसकी तरफ ना देखे और मजबूर हो जाए प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर, जहां पर कि नॉन रेगुलेशन होता है, कोई लगान नहीं होता है। रीजन कि जितने भी कांग्रेस बीजेपी इनेलो 90% ऑफ द सिंपथाइजर एंड द सपोर्टर्स जो इनकी पार्टियों के साथ जो चलते हैं, उनके ये स्कूल्स हैं, आईएएस लॉबी है, ये सारा पूरा का पूरा एक माफियाकरण हो रखा है, जिसके बाहर आने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जिसके अंदर कि हमें सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका हमें जो वो भी इसका इलाज भी ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज शर्मा, बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल पॉलिटिकल का जो सामाजिक और पॉलिटिकल जो ताना बाना है, एक गिरोह काम कर रहा है बेसिकली। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है वो एक सोची समझी चाल है, ये बड़ा इशारा इन्होंने किया है। मशहूर शिक्षाविद स्टारएक्स के वीसी कुलपति हैं अशोक दिवाकर जी। दिवाकर सर, जिस तरह से बात की है डॉक्टर मनोज शर्मा की, बात करें कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम पर इन्होंने बड़ी उंगली उठाई है, ठीक है हम अभिभावक हैं, बच्चों को नजदीक के फायदे में, या कई ऐसी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं कि चाहे वो किताबें नहीं हैं, स्टूडेंट्स को टीचर ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये इस परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल और एक साजिश बताया इन्होंने, क्या कहेंगे आप? सोलंकी जी, मैं यहाँ आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, लंबे समय से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है कि यहाँ शिक्षा को वोटों की फसल काटने की द्राप्ति तो माना गया हमेशा, लेकिन कभी इसको फोर फ्रंट पर लाने की किसी भी दल ने कोशिश नहीं करी।
यहाँ स्कूल की दीवारों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो कभी समाज ने, ना पेरेंट्स ने, ना सरकार ने, ना प्रशासन, ना शिक्षा बोर्ड ने किसी ने भी महत्वपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निकाल कर इसको रिजल्ट नहीं दिए, और इन सब का एमलगम ऐसा है कि आज हमारे बच्चे उस लेवल पर पहुंचे हुए हरियाणा में, या तो वो नकल से पास होते हैं या वो पास हो ही नहीं सकते। अब पास होना उनकी मजबूरी है, इसलिए माफिया गिरोह का उत्पत्ति हुई हरियाणा में। आज एक अच्छा टीचर हमारे हरियाणा में है, अगर वो नकल रोकना भी चाहता है उसको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है। घर तक लोग पीट के आते हैं, महाविद्यालयों से दूसरे जिलों में जब स्टूडेंट बन के जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनकी पिटाई होती है, वो जलालत महसूस करता है। इवन उनका प्रिंसिपल उनके साथ जाके थाने में खड़ा नहीं होता कि एफआईआर दर्ज करो, और इस तरह की हालत में वो निरुत्साहित हो जाता है और खामोश बैठकर तमाशबीन बन के खड़ा रहता है। तो ऐसी हालत में शिक्षा का सुधार कैसे होगा? जब तक राजनीतिक नेता सामने ना आए, एक डीसी का पीए लेटर हमें भेज देता है कि दफा 144 लगा दी गई, कि कागज से दफा 144 लगा दी, एक सिपाही के लिए हमें थाने के एसएचओ को फोन करना पड़ता है कि सर एक आदमी तो भेजो, 600 लड़कियां अपीयर हो रही हैं, तो कहीं कोई वारदात ना हो जाए। तो ऐसे में प्रिंसिपल या प्राध्यापक या टीचर्स क्या करें, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस आती नहीं, समाज वाले दुश्मन बन जाते हैं कि वे नकल हर जगह हो रही है, तुम का खास बन रहे हो, इस तरीके से पूरा एक सिस्टम निरुत्साह करने वाला है। तो ऐसे में हरियाणा का भला नहीं हो सकता। आज हरियाणा का लड़का कहीं भी, जैसे डॉक्टर शरद नंदन ने कहा, मैं भी एम्प्लॉयर हूं, मैं भी लोगों को रोजगार देता हूं, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी सही नहीं मिलता कि दो काम ढंग से कर सकता हूं। हमें बाहर के लोगों पर डिपेंड करना पड़ता है। जब मैं राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 में प्रिंसिपल था, यहां बहुत सारे कॉर्पोरेट लोग आते थे, सर कोई 5 लड़कियां तो ऐसी दे दो कि जो थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी थी लिख, कहां से लाऊं। बहुत बड़ी बात कही है अशोक दिवाकर जी ने। आप पेरेंट्स से भी गुजारिश है, आज आंखें खोल लें, हम लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें शायद उस शिद्दत से या इनकी गंभीरता हम समझ नहीं पाते, और यही स्थिति हो जाती है कि आज की दौड़ में खड़े करने के चक्कर में, महज एक सर्टिफिकेट दिलाने के चक्कर में, उसके भविष्य से हम कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। ये हमारा पूरा पैनल ये बता रहा है और ये अफसोस भी जाहिर कर रहा है। बड़ी बात ये भी है कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम शिक्षा के महत्व को ही नहीं जानते, चाहे वो टीचर हो और चाहे हम पेरेंट्स हो और चाहे हम स्टूडेंट हो। लेकिन सवाल सरकार पर है, सवाल लगातार पॉलिटिकल सिस्टम पर है। भाटी साहब, इतनी सारी बातें आई हैं आपके सामने, ये गीता इस प्रदेश की धरती से पूरे विश्व में गया, ज्ञान, गीता का मतलब ज्ञान, लेकिन यहां तो ज्ञान है ही नहीं, यहां तो एक सिंपल मेल नहीं ले सकते आपके स्टूडेंट, एक ऐसा सिस्टम ही तैयार नहीं कर पाया शिक्षा विभाग अभी तक। सोलंकी जी, ऐसा नहीं है, हमारे साथी जो बात कह रहे हैं, हरियाणा की ये तस्वीर नहीं है। अगर हरियाणा की तस्वीर देखनी है तो फिर मौना प्रूथी को भी देखिए, जिसने आईएएस का एग्जाम टॉप किया। आप विनय प्रताप सिंह को देखिए, जो एडीसी गुड़गांव लगे हुए हैं, वो भी हरियाणा के इन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं। हरियाणा की ये तस्वीर सर, वो गवर्नमेंट स्कूलों से, वो प्राइवेट स्कूल से है, नहीं नहीं प्राइवेट में भी पढ़े, सुनिए जरा, उनका पूरा परिवार, विनय प्रताप का पूरा परिवार सरकारी स्कूलों से जुड़ा हुआ है। आप सुनिए प्रताप को, और आपको पता नहीं है विनय प्रताप की स्कूलिंग सरकारी स्कूल में हुई, आपको ये बता सर, मैं बता दूं, नहीं नहीं मैं बताता हूँ उसके बाद हुई है, मैं आप ऐसा मत करो, हरियाणा की तस्वीर ये नहीं है। दूसरी बात, आज हरियाणा में टेक्निकल एजुकेशन आईटीआई, उसके लिए जो बीजेपी की सरकार नहीं होगी उस वक्त जब ये विनय प्रताप जी ने सरकार, तो हम हमारी सरकार तो अब 2.5 साल आई है, सरकार के बारे में बता दीजिए, हमने कोई सतर को गिराया नहीं है। मैं सोलंकी जी आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में 13,000 और ये 43 करोड़ का बजट था, 13,000 और जिसको डॉक्टर अशोक दिवाकर जी ने बड़ी बात कही थी कि एक पुलिस वाला नहीं बच पाते, आप 144 धारा में डीसी के कह जाने से 14,000 जाता है, किताबें आप दे नहीं रहे हैं, टीचर आप दे नहीं रहे हैं, दीवारें आपकी छोटी है, कांग्रेस बैठने को फर्श नहीं है, बैठने को फर्श नहीं, आज आप कह रहे हैं इतना बजट है, कहाँ जाता है बजट, स्कूल को दिया, साहब बताइए बजट कहाँ जाता है, बताता हूँ, सुनिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था 327 स्क्वाड है, उसके अलावा हमारे जो नकल क्यों हो रही है, शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन नकल क्यों हो रही है, सुनिए जरा, मैं वही बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर जगवीर सिंह स्वयं जो है एक अलग से फ्लाइंग स्क्वाड लेकर के, जो हरियाणा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं नागर साहब, खुद अलग से फ्लाइंग स्क्वाड लेकर के पूरे हरियाणा में
आज हमने उस जो नकल का रेशो उसको जीरो करने की हमारी भरसक पूरी कोशिश है। आप देखिए जिस तरह का ताना बाना कैसे तोड़ रही है, वो तस्वीरें बयां कर रही है। लेकिन हम बाद आखिर ये नकल रुकेगी कैसे? ये जो कलंक है हमारे समाज पर, ये शिक्षा का जो महत्व है वो क्यों नहीं समझ रहे? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है जी। भाटी साहब जवाब लेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रदेश में नकल की स्थिति क्या है, किस तरह से बेलगाम हुआ पड़ा है ये जो नकल माफिया है, और प्रशासन इसके आगे किस तरह से घुटने टेके हुए है, ये सारी रिपोर्ट हमने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा को सौंपी। उन्होंने क्या कुछ कहा इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में, आइए आपको सुनवा देते हैं। हल्ला बोल हरियाणा कार्यक्रम में हम हल्ला बोलते हैं उन मुद्दों पर जो कि सरकार से सीधा सरोकार रखते हैं। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। इस बार हल्ला बोला गया है नकल पर। सबसे बड़ा मुद्दा है, भविष्य को लेकर है। प्रदेश की सरकार शिक्षा को लेकर विभिन्न कदम उठा रही है, नई ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई है, और इसी के साथ साथ अलग अलग कदम अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट हल्ला बोल की है जो कि हमारे सहयोगियों के द्वारा तैयार की गई है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रदेश के रामविलास शर्मा साहब मौजूद हैं, उनको यह रिपोर्ट सौंपूंगा। मैं चाहूंगा सर आप एक नजर इस पर जरूर मार लें। जिस तरह से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, लेकिन गूढ़ समस्याएं जो हैं वो अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं। नकल सबसे बड़ी समस्या है और ये प्रदेश के अलग अलग इलाकों की रिपोर्ट है सर, और इसमें पलवल, फरीदाबाद, कई जगहें हैं जहां पर अभी भी जो है खुले तौर पर नकल चल रही है। क्या कार्रवाई इस रिपोर्ट पर आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये मैं इंडिया न्यूज के पत्रकारों का, छायाकारों का मैं धन्यवाद करता हूं जी। उन्होंने इस गहरी समस्या के ऊपर हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग की मदद के लिए इतनी खोजपूर्ण ये हल्ला बोल की एक रिपोर्ट की है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पलवल में, कलानौर में और गोहाणा में अलग अलग समय में एक दो अधिकारी इसमें सम्मिलित पाए गए, हमने उनको निलंबित किया है। पर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि नकल केवल हरियाणा की समस्या नहीं है, सब जगह थी। पर हमारी 28 महीने की सरकार में, ये पवन जानता है, आप भी जानते हैं, और रोहतक मेडिकल कॉलेज में जो MBBS डॉक्टर्स का एंटर टेस्ट होता था, PMT होता था, उसमें एक गैंग वर्षों से काम कर रहा था जी। जो एक बच्चे की जगह दूसरे बच्चे को बिठाता था, पेपर लीक करता था, 50 लाख रुपया पैकेज होता था जी। हमने वो गैंग पकड़ा जी। वो नकल रुकी जी। इस बार एक आप मेरे विभाग के अधिकारियों को हम शाबाशी देना चाहते हैं, जिनके प्रयत्न से इस बार पेपर लीक की घटना कहीं नहीं हुई। पर फिर भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि 100% हम नकल रोकने में कामयाब हुए हैं। उसमें 15% आज भी हमने कुछ केंद्रों को सस्पेंड भी किया है, परीक्षा केंद्रों को जगह भी बदली है, परंतु हमने इसमें बहुत गुणात्मक सुधार बहुत किया है। अगर इस नकल के ट्रेंड की बात करें, कहीं ना कहीं जो एक एजुकेशन सिस्टम पुराना चल रहा है, क्या समझते हैं कि उसमें बदलाव की जरूरत है? क्योंकि बच्चे जो है जो नकल की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो रहता है पढ़ाई का उसको लेकर, तो क्या बदलाव किए जाएंगे? कोई फ्लाइंग स्क्वाड्स की इजाफा किया जाएगा? और इस रिपोर्ट पर आप क्या कार्रवाई कर? इस रिपोर्ट पर मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, और मैं एक बार फिर से इंडिया न्यूज चैनल के पत्रकारों को, छायाकारों को इस काम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, चैनल के मालिक को धन्यवाद देता हूं, और इसके एक एक अक्षर पर मैं कार्रवाई करूंगा। परंतु जो मौलिक बात है, आज आप देख रहे हैं कोटा जो है ये एक कोचिंग का सेंटर है, लाखों बच्चे बाहर से जाके वहां करते हैं, परंतु 2 सुसाइड का वहां पर एवरेज आ गया है। एक तो स्कूल है, स्कूल में बच्चा मैक्सिमम 4 घंटा रहता है। आज जो वेस्टर्नाइज जो है,
वो कल्चर हिंदुस्तान पर धीरे धीरे हावी हो रही है। पहले मां बाप बच्चे के लिए जीते थे, आज कल किसी मां बाप को एक पीढ़ी ऐसी आ गई है, मां को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं है, बाप को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं है, और बच्चे को वो स्कूल में फेंक करके ना बच्चे के साथ उनकी सुबह होती है ना शाम होती है, और वो अपेक्षा ये करते हैं कि ये बच्चा, अब हमारे पास तो लाखों बच्चे हैं, हमारे पास तो गरीब का बच्चा आता है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण इतना बड़ा भयंकर हो गया है, उसमें जो मौलिक व्यक्ति निर्माण का जो काम है, ये जो टीन एज है, इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। मैं समाज के भाई बहनों से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी पीढ़ी पर ध्यान दे, उतने बच्चे पैदा करें जितनों को अच्छी तरह से वो शिक्षा दीक्षा दे सकें। आजकल एक फैशन चल गया कि तुम दो और हम दो, मैं तो अपने माँ बाप का, हम तो नौ बहन भाई हैं, और आगे से आगे मतलब एक दर्जन बच्चे। पहले मैं पानीपत में वो एक मंडी में एक बहन कहने लगी मेरा ये बच्चे का 134 में हो गया दूसरे का, मैंने कह रहे बहन तुम मेरे को खोखे पर चाय पी लेने दे, हम तो नौ बहन भाई हैं, तू दो में दुखी होगी, हमारे माँ बाप को भी तो देखो। तो मेरा समाज के लोगों से, भाई बहनों से कहना है, कुछ थोड़ा सा आप भी अपनी संतान के ऊपर ध्यान दें। हरियाणा सरकार में हम व्यक्ति निर्माण में, बच्चों के भविष्य को निर्माण में अच्छे कॉन्फिडेंट, अच्छे उत्तम नागरिक पैदा करने में हम पूरी जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल रामविलास शर्मा साहब, मैं शिक्षा मंत्री हरियाणा प्रदेश, जिनका यह कहना है कि इस रिपोर्ट पर जो है बकायदा इसको पढ़ने के बाद डिटेल कार्रवाई जो है वो होगी, साथ ही साथ लोगों से, हरियाणा प्रदेश की जनता से, अभिभावकों से भी ये अपील उनके द्वारा की गई है कि जो बच्चे हैं उनके अगर फ्यूचर की बात की जाए, भविष्य की बात की जाए, उनके निर्माण की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी सहभागिता भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए भी ध्यान दें। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। शिक्षा मंत्री ने यह भरोसा दिया है कि जो रिपोर्ट हमने सौंपी है उस पर वो गौर फरमाएंगे, लेकिन आपने सुना होगा साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये हरियाणा में ही ये मसला नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि दरअसल जिम्मेवारी पेरेंट्स की ज्यादा बनती है, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सवाल यही कि आखिर आप लोग किस लिए हैं, ये बड़ा सवाल है। भाटी साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं कि हरियाणा की स्थिति तो है, ये हरियाणा की थोड़ी है, ये तो पूरे देश में है। देखिए शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे, नहीं सुनिए जरा, ये नकल की जहां तक बात है, नकल तो देश के और भी हिस्सों में होती है, इसमें कोई बात नहीं तो है। क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुनिए जरा। लेकिन मैं आपको अपनी, हमारी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम इस नकल के जो रेशियो है उसको जीरो पर लाना चाहते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमने 100% खत्म कर दिया। मैंने अभी आपको बताया हमने फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है, तो बता दिया, कई बार बता दिया, और इनकी हालत है वो भी हमने देखी। हम लेकिन इसको जीरो पर लाना चाहते हैं और ला नहीं रहे, पूरा प्रयास है हमारा। चलिए, मैंने अभी आपको बताया, प्रयास करते रहिए, टाइम ज्यादा नहीं बचा है। मैं एक बात और बता रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में जो शहरी जो बच्चों का पास रेशो है वो 80% है और देहात का 60% है। हरियाणा प्रदेश में पहले से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जो कांग्रेस के समय और इनेलो के समय कम था, आज हरियाणा प्रदेश में वो स्तर बढ़ा है और सुविधाएं। मैंने अभी बजट की एलोकेशन बताई है कैसे बढ़ा है, बजट को भी पहले ये बात मैं बार बार नहीं करूंगा, टीचर है ना, किताबें हैं ना, स्कूलों में कोई सुविधा है, ये सारी चीजें जो हमने बढ़ा है वो तो सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, दरअसल इस मंच के जरिए हम केवल समस्या की बात नहीं करना चाहते हैं, समाधान की भी बात करना चाहते हैं, और समाधान किस तरह से हो सकता है। शिक्षाविद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल जो एक सिस्टम चलाते हैं वो लोग हमारे साथ हैं। जी डागर साहब, सबसे पहले आपके पास, 10 बरस आप इनसे पहले सरकार में थे, आखिर ये रोक लगती क्यों नहीं है, और लगे तो फिर क्या कमी रह जाती है। आप भी तो सरकार चला चुके हैं, आप लोगों ने भी तो कोशिशें की होंगी। डागर साहब, देखिए सोलंकी जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अभी रामविलास शर्मा जी को आपके जो चैनल से प्रवक्ता गए, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, वो कहते हैं कि मेरे को चाय पी लेने दो खोखे पे। हम नौ भाई बहन हैं, ठीक है, वो एक बात अलग है कि नौ भाई बहन हैं या 14-15 हैं या किसी के दो बच्चे, वो इशू वो नहीं है। इशू ये है कि रामविलास शर्मा जी पहले भी बंसीलाल जी के साथ सरकार में कृषि मंत्री, वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको सारा कुछ ज्ञान है। कहीं ना कहीं एक
टसलबाजी में शायद हरियाणा का जो है छात्र पिसता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, जब तक विल पावर स्ट्रांग ना हो किसी को काम करने की, आप सरकार किसी की भी हो, आज जो बात मौजूदा हालात की बात आप है, लोगों की विल पावर स्ट्रांग नहीं। मैं बिल्कुल, मैं अभी सोलंकी जी, मैं जी आने दूंगा, आप आपकी बात का भी जवाब दूंगा। नहीं नहीं, वही मैं समाधान की बात आ रहा हूँ जी। जब तक जो एक तो शिक्षकों की कमी, दूसरी बात जो आपने कहा कि कैसे होगा, अब जो कांग्रेस के टाइम में उस आयु वर्ग को 58 से 60 कर दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको वापस कर दिया। जब आप नई भर्ती नहीं कर रहे तो कम से कम जो टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, जो वैकेंसीज खाली हो रही हैं, वो उससे भी छात्र की पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ता है। बात कांग्रेस के टाइम की बात है, जो आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं जी हाँ, जो भर्ती होनी चाहिए बिल्कुल शिक्षक। दूसरी बात है, जो एक इशू था पीछे कई मैनेजमेंट के ऊपर, बात स्कूल की व्यवस्था के ऊपर, बात कांग्रेस के टाइम में एक एसएमसी कमेटी बनी थी, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कमेटी जी, टीचर्स स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कमेटी, उसमें भी पेरेंट्स को चाहिए, उसका जो मेंबर होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी जो व्यवस्था है जो बदलाव होने चाहिए उस पर ध्यान देना, बिल्कुल उसको जो पेरेंट्स ध्यान देना चाहिए, और जो जो व्यवस्था है सोलंकी जी, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप उस टीचर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कमेटी का होता है। चलिए अभिभावक जाए और अपना देखभाल करें। दलवीर धनखड़ है आईएनएलडी से, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, रामविलास जी वही हैं जिनका डिपार्टमेंट ले लिया गया था परिवहन, कृष्णलाल पवार को मंत्री बना दिया गया था, तो ये बोले शिक्षा का कोई ग्राहक नहीं मिला, ये ओन रिकॉर्ड बोल रहे, सबके पास रिकॉर्डिंग है, अगर मेरे को हमें शिक्षा का कोई ग्राहक नहीं मिला, नहीं दिए डिपार्टमेंट में किसी को दे देता, तो मेरे तो गले में डल गया ये डिपार्टमेंट, ये रिकॉर्डिंग है। तो जिस इस तरह के अगर शिक्षा मंत्री होंगे तो इस प्रदेश का यही भला होगा जो हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं बताना चाहूंगा कि 44 की धारा की बात की, और आज तो मैं तो कहूंगा बड़ा सौभाग्य है, दो दो मेरे प्रिंसिपल और दोनों वाइस चांसलर मेरे साथ बैठे, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बताना चाहूंगा आर्य जी को और दिवाकर जी को, दिवाकर जी 144 धारा का मतलब आपने ठीक किया, लेटर लिखने से काम नहीं चलता, आप तो लेटर लिख देते हो, डिपार्टमेंट कोई भी है वहां हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट हो रही है, पुलिस में भी यही हालत है, आप तो लेटर लिख देते हो, स्टाफ पुलिस के पास भी नहीं, आपकी सरकार, परंतु नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भर्तियां चलता आ रहा है, आप नई बात नहीं हो रही है धनखड़ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। जहां तक डॉक्टर साहब ने बात की, सचिव हरियाणा के डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा, आपने तीनों पार्टियों पर आरोप लगाए, कुछ सच्चाई होगी इनमें, बाकी मैं अपनी सरकार की बात करता था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं आर्य जी, गुड़गांव के अंदर जब से हरियाणा बना था ना कोई कॉलेज बना था ना कोई स्कूल बना था, चौटाला साहब जाते जाते आपको होगा 2004 में एक कॉलेज देख गए और लॉ कॉलेज देख गए, हमने कोशिश की, हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किए जाएं, ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाए जाएं, हमने कोशिश की आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चे ना जाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ जाए, टीचर उस समय पूरे होते थे, ऑलमोस्ट पूरे होते थे, उसके बाद 10 साल सरकार, आप भी मानते हैं टीचर गैस टीचर लाने शुरू किए उन्होंने, कांग्रेस ने गैस टीचर लाने साहब, टीचर की कमी परंपरा चल रही, टीचरों की कमी आज है, बहुत ज्यादा भारी कमी है, ये पुलिस की कमी है, ये 144 लेटर में लिखने से काम नहीं चलेगा, 16 सोलंकी जी, 17,000 से ज्यादा शिक्षक में कम हरियाणा के, नागर साहब आते हैं आपके पास जी, मान साहब बताइए, मैं जब से मैं भी शिक्षा ली है, लेकिन बचपन से ही मैंने सभी सरकारें देखी हैं, मैंने लोगों की भी देखी है, और समाधान क्या, समाधान ये कि जो ये कह रहे हैं कि कोशिश की है उसे लगन नहीं की, अगर कोई भी लगन से करेगा, किसी ने मजबूती से इस पे काम किया होता, सिर्फ कोशिश ही नहीं की, करने की तय की होती, कैसे करना चाहिए था मजबूती से काम, सबसे करना चाहिए, सबसे पहली मजबूती तो प्रशासन की आती है, नकल कोई बच्चा करेगा ही नहीं जब अंदर घुसेगा नहीं, वहां पर जैसे इमरजेंसी में प्रशासन को कहीं भी ज्यादा लगा देते हैं, तो उस टाइम पे प्रशासन कम सिपाही क्यों खड़े करता है उस जगह पे जो कोई नकल देने वाला अंदर घुस जाए, वहां प्रशासन ज्यादा होगा, उसे भी इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए कि हमारा देश का भविष्य है ये तैयार हो रहा है, आज का हमारा जब हमारा पौधा ही मजबूत नहीं होगा तो हमारा पेड़ कहां से मजबूत, बड़ी बात कही है, मैं यही कहूंगा, तो हमें मजबूती अपने पौधे को मजबूत करने में लगानी चाहिए सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले हमारा प्रशासन जब रोकेगा तो कोई अंदर जाएगा ही नहीं, आज जेल के अंदर नहीं है कि भर्ती कोई बाहर का घुस जाए निकल जाए कोई अलग बात है, आज वो बच्चे एक भीत कूद के चले जाते हैं, नकल दे के भी चले आ जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, तो सबसे पहली नकल में कमी तो प्रशासन की रही है, लेकिन कहीं भी प्रशासन इतनी मजबूती से नहीं आया कि नकल को रोकना ही रोकना है,
खाली सोचा जरूर है और रोकने की मजबूती लेकर मान साहब ने बड़ी बात कही, नकल रुकती जरूर, बड़ी बात कही है मान साहब ने। पॉलिटिकल विल के साथ जो प्रशासन है जिसको जिम्मेवारी दी गई कि वहां नकल माफियाओं पर नकेल कसे, उसकी मंशा ही नहीं होती, बड़ी बात कही है डॉक्टर मनोज शर्मा, अभिभावक संघ के सचिव है हरियाणा के। मनोज शर्मा जी आपसे भी जानना चाहेंगे समाधान क्या, चिंताएं आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें हैं, कमियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन समाधान कैसे हो। हम समाधान पर आए तो जैसा कि मान साहब ने अभी कहा कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसके लिए राजनीतिक मंशा का होना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब हम इसकी बात करें और नकल के उसके बैकग्राउंड पर जाएं तो हमें ग्रास रूट लेवल पर काम करने होंगे, कई लेवल्स पर। सबसे पहले बच्चों के लेवल पर कि उनके अंदर हमें पढ़ाई के प्रति एक रुझान एक जो है डलवाना पड़ेगा। वो कैसे डलेगा, जब हम उन स्कूलों में जो सरकार से जो स्कूल चल रहे हैं उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था करें कि बच्चे उसके अंदर आए, पढ़ाई के जो एड्स और जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के पढ़ें समझें, तो उनके अंदर एक रुझान पैदा होगा और पढ़ाई के प्रति उनके अंदर एक तीव्रता बनेगी। यहां पर क्या हो रहा है कि इस खोखली व्यवस्था के कारण बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, मां बाप भी नहीं भेज रहे हैं, और जो है बच्चे का जो पूरा जो उसको स्कूली शिक्षा लेनी चाहिए उससे विमुख होकर के फिर वो लास्ट टाइम पर यही सोचता है कि जी मैं वह नकल करके पास हो जाऊं। तो सबसे पहले हमें यह है कि सरकारी व्यवस्था को एक मजबूती से एक जड़ से पकड़ना पड़ेगा कि हम उसके अंदर काफी सारी व्यवस्थाएं पैदा करें, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें, मां बापों को हम चेताएं आप बच्चों को भेजिए, क्या कहते हैं हमारे पास अच्छी सुविधाएं हैं, और उसके लिए जो है बजट, जैसा कि भाटी साहब ने बताया जो भी बजट है पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर के एक अपना एक हमें एक पूरी कार्यशाला चलानी पड़ेगी। मैं एक बात इस पे आ रहा हूं दोबारा से, अभी शायद पहले आपने चलाया था कि लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है सरकारी स्कूलों में, जिसके कारण हरियाणा का एक डेटा सबमिट किया था कि दसवीं के नौवीं के बाद जब वो अपने मासिक धर्म से गुजर अपनी एज पर आती है तो वो वहां से ड्रॉपिंग रेट काफी मतलब बढ़ जाता है। तो आप ये सोचिए कि जब इन चीजों पर हम नहीं लगा पा रहे हैं तो किस तरीके से हम जो है बुनियादी सुविधाएं आप मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं स्कूलों में तो शिक्षा होगी कैसे। राजनीति दरअसल चाहती नहीं है, ये लगातार डॉक्टर साहब सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर आर्य, ये स्थिति है कि सियासत कोई साजिश कर रही है कि हमें एक ऐसी भीड़ बनाया जाए जिसपे केवल डिग्री हो, कागज हो, सर्टिफिकेट हो, ज्ञान ना हो। देखिए, खाली सियासत को या सरकार को तो इसका दोष नहीं देना चाहता, बात यह है कि ये पूरे कंपोनेंट्स है। इस कंपोनेंट में एक तरफ लड़के हैं, उनके माँ बाप हैं, टीचर हैं, फिर सरकार है, प्रशासन है, सरकार, पांचों के पांचों एलिमेंट्स यदि खराब हो और मिलकर नकल करवा रहे हैं तो आप ये बताइए इसको कैसे रोका जा सकता है। तो हमें तो वो काम करना है ना कि ये रुक ये नहीं कि रुक नहीं सकती। अब क्या बात कर रहे हैं ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, मैं इसके ऊपर तो कोई अपना चर्चा नहीं दे रहा, मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, यदि आपका अगली बार मिले तो इनको जरूर बताए। मैं एक दिन में नकल रोक सकता हूं, मैंने रोक के दिखाई है, खाली बोल नहीं रहा। एक और व्यक्ति था राजा राम, उसने भी नकल रोक के दिखाई थी। यदि ये मॉडल चाहते हैं तो हम इनको मॉडल देते हैं, परंतु ये चाहते हैं या नहीं इसकी कौन, यदि आप जिम्मेवारी लें, इंडिया न्यूज चैनल ले जिम्मेवारी कि हमारे रामविलास शर्मा ये कहें कि मैं एक एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं सिर्फ एक दिन में, ज्यादा समय नहीं मांगते, एक दिन में ऐसा सिस्टम। देखिए दो शब्द होते हैं, ये बात दो शब्द होते हैं, जिम्मेवारी आपकी है, आप तो ढाई साल से ज्यादा हो गया सोलंकी जी, आखिरी बार नकल रोक डॉक्टर आर्य, आप एक शब्द है टेक ओवर, दूसरा शब्द उल्टा कर दो ओवरटेक, सिस्टम को थोड़ा इधर से लेकर उधर करना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, नकल रुक जाएगी, विल पावर है ये पूछ लीजिए, हम कर रोक देते हैं। बड़ा सवाल उठाया है डॉक्टर भाटी, हम चाहेंगे, माफ कीजिएगा भाटी साहब, हम ये चाहेंगे कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है शिक्षा मंत्री तक वो बात पहुंचे कि एक दिन में ये स्थिति सुधर सकती है, बदल सकती है, और आप लोग इतना वक्त ले रहे हैं। जी, जी अशोक दिवाकर, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब वक्त ब्लेम गेमिंग का नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है मुद्दा, और अब हरियाणा बड़ा हो रहा है, हमें मुद्दों पर आना चाहिए। मुद्दे ये हैं कि जैसे आर्य साहब ने कहा, जो हमारे विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 के हैं, वो 5-10 जिलों के विद्यार्थी थे, वो आज भी जानते हैं कि 3 साल में कभी हमने नकल नहीं होने दी, चाहे हमें कितने बड़े रिस्क उठाने पड़े, नकल रुक सकती है अगर विल पावर हो। उसके लिए सबसे पहला मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, सबसे पहले जिन स्कूलों में
एक एक दो दो टीचर से स्कूल चल रहे हैं, वहां भर्ती करके अच्छे टीचर्स लगाए जाएं, सही मेरिट पे लगाए जाएं, नकल रुकने में सबसे बड़ा कारगर साधन सिद्ध होगा। नंबर दो, अगर कोई नकल का माफिया सामने आता है, अगर पुलिस और प्रशासन साथ नहीं देंगे, वो अध्यापक या वो टीचर क्या करेगा? कि टीचर का काम हाथापाई करना या फौजदारी करना नहीं है, प्रशासन साथ दे। दफा 144 कागजों पर ना उतरे, वो सोटे पर उतरे, बाहर पुलिस खड़ी हो। लोगों को भी समझना पड़ेगा कि लंबे समय में एक यह जहर है, हम अपने बच्चों को उकसाए नहीं। और जब तक हम पेरेंट्स का भी सहयोग नहीं चाहेंगे, जब तक हम प्रशासन का सहयोग नहीं चाहेंगे, ये पांच चीजों के एलिमेंट से एक ऐसा एमलगम है जिससे सारी व्यवस्था खराब हुई हुई है। तो मैं चाहता हूं कि टीचरों की भर्ती हो, अच्छे टीचर हो, और पेरेंट्स भी बात को समझें कि हमारे हरियाणा का नुकसान हो रहा है, आपकी पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। इन सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदार है, अगर कोई नकल रोकने वाले के ऊपर हाथापाई करता है, दुर्व्यवहार करता है, उस पर कन्विक्शन रेट जीरो है, उसको ढूंढ नहीं पाते, मिलते भी नहीं है कि किसने हाथ उठाया टीचर पर, और टीचर क्यों आगे आएगा? टीचर अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं बैठा, वो अपनी पढ़ाई कराने के लिए बैठा हुआ है। और दलील होता है, हो चुकी है, इस हत्याएं भी होती हैं हमारे कॉलेजों में, विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी। और दूसरा, विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्राध्यापकों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उसके पास जिम्मेदारी भी थोड़ी थोड़ी घट रही है। कोई भी आज अच्छा सीनियर टीचर ना तो पेपर सेट करना चाहता, ना मार्किंग करना चाहता, ना वो एग्जाम की ड्यूटी करना चाहता, हमें मजबूरी करके कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सटेंशन लेक्चर्स को लगाना पड़ता है, एक्सटेंशन लेक्चर भी कई बार कम होते हैं किसी कॉलेज में, माली और पियंस को लगाना पड़ता है जाके पेपर कटेगा, ऐसी स्थिति में नकल कहां से रुकेगी? दिवाकर जी, एक चीज और भी है, एक मिनट जी, बाटी साहब लेंगे आपसे जवाब। जी देखिए, जहां पे एक सिस्टम की बात है, जहां पे एक एक टीचर है सारे स्कूल में, वहां बच्चे पढ़े कैसे, क्या उनका कैरियर होगा? सबसे बड़ा इशू ये है कि एक एक ही टीचर है, सारा स्कूल चल रहा है पांचवीं छठी तक, वो बच्चा नकल नहीं करेगा तो क्या करेगा? जी बच्चे को मैं दोषी ठहरा देना। जी कहिए, कांग्रेस और इनेलो, कांग्रेस पिछले 10 साल में ये कोई राजनीति की बात नहीं, सामाजिक बात हो रही है। सतर पर क्या सुधार किया, कोई भी एक आंकड़ा इनके पास नहीं। आप लोगों, अब मैं आपकी बात पर, देश की जनता ने भाटी साहब आप लोगों की जिम्मेवारी दी ना, अब आप लोगों को जिम्मेवारी दी ना, मौका दे। बीजेपी इनेलो के साथ रही है, बंसीलाल जी के साथ रही है, बीजेपी ज्यादा रही है उनसे इस प्रदेश में, आपके जवाब ही नहीं। आपके पास के समय तो आप डिग्री और डिग्री पैमाना था, क्योंकि आपने तो कास्ट के बेस पर, उसकी सकल दे जाति के बेस पर नौकरियां थी, उसी में आज देश के भविष्य की बात हो रही है, आप करिए कोशिश, आज जो नकल का आयाम है वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि केवल और केवल डिग्री इन दोनों पार्टियों ने। रामविलास शर्मा दुकानदारी बताते हैं, दूसरी बात, रामविलास शर्मा कहते हैं दुकानदारी है, दुकान पर कोई होगा आपकी पार्टी का नेता, केवल और केवल नौकरी देने में आए, उन्होंने बेईमानी की, नौकरियों को बेचा, पुलिस पार्टियों ने आज उसका परिणाम, स्कूल तो आपका पीएम खोलता है, पीएम आप तो ज्यादा नहीं बोल सकते, नौकरियां आपके सामने बेची गई, आप मैं कह रहा देश जानता है, अभी मैं शिक्षा भी तुम्हारे कह रहे थे, 113 टीचर्स जो नकल कराते हुए पकड़े गए, आंकड़ा बता रहा हूं आपको, वो हमारे शिक्षाविद अभी कह रहे थे, अब ये मेंटलिटी को बदलते हुए तो समय लगेगा। 113 सुन लीजिए जरा, अकेले 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 एजुकेशन थाना वाना करना पड़ेगा, रामविलास शर्मा शिक्षा शर्मा जो है बात कही, बहुत ही जो है शिक्षा का साथ वो है, मेरी बात जरा भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, कही है कांग्रेस ने जो और प्रक्रिया को का विषय है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार, फरीदाबाद में पांच भाजपाओं के विधायक, भाजपा के विधायक, उसके बावजूद भी न तो रूल 158 इंप्लीमेंट हो रहा है, न रूल 134 इंप्लीमेंट हो रहा है। आप शायद भूल गए हैं, सरकार ने कंपलसरी कर दिया,
शिक्षा मंत्री नाम हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दुकानदारी उसमें दरअसल आपके फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बस है ना पार्टी जी।